अलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे। आज का ये हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं दुबई से अलेन का सफ़र, और वहाँ पे हम आपको सैर करवाएंगे जबले हफी की। तो आज की इन वीडियो में मेरा साथ दे रहे हैं मतीन भाई, अजीम भाई, शहबाज और तनवीर। हम टोटल फाइव ब्रदर फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं जाएंगे, और इंशाल्लाह फर्दन जैसे जैसे हम मूव होते जाएंगे इस वीडियो में हम आपके साथ अपना एंटरटेनमेंट शेयर करेंगे। और अभी हम मॉर्निंग में निकले हैं, अभी 10 बजने वाले हैं, और क्योंकि डिस्टेंस जो है दुबई से आप अलेन का जो 2 घंटे से ज़्यादा है, तो हम अभी रस्ते से ही ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर नमाज जुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद हम तनवीर भाई और शहबाज भाई को साथ लेके अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और शेयर जो है यही हमारा बूस्टर होता है। जब हमें कोई लाइक और कमेंट मिलता है तो हमें वो बोलते हैं ना, एनर्जी पैदा होती है। तो बहुत शुक्रिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगर अच्छा वाला इंश्योरेंस बना तो 500 से ज़्यादा होंगे, 1000 दिरहम तक के इंश्योरेंस आ रहे थे, मैंने सिर्फ 500। अच्छा बना है, जो 1 मिनट का बना है ना। अभी हमने इधर स्टे किया है, यहाँ से हम शहबाज भाई और तनवीर भाई को पिक करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले अब करने लगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि बड़ी भूख लगी हुई है। तो सामने एक रेस्टोरेंट है चाय मखनी कैफेटेरिया, तो यहाँ से कोई हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे लाइट सा, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नमाज जुम्मा अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ब्रेकफास्ट हो गया जी फिनिश। आज हमने खाई इडली, जो वाइट सी वो चावल की बनी होती है और इसको स्टीम किया जाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट रहता है।
और अभी अल्लाह की रहमत से हम पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज़। जुम्मे की नमाज़ के बाद हम अपना बाकायदा सफ़र का आगाज़ करेंगे, तो दुआ में याद रखें। चलें इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ हमने पढ़ ली है और नेक्स्ट हम अब जाएंगे लंच करेंगे। लंच के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सफ़र जो है वो 2 घंटे से है और वहाँ पे कोई मरीन जो जफले हफीज़ है वहाँ पे आप चाय वगैरह या हल्का फुल्का सा जो जिसको स्नैक्स कहते हैं वो ही आई थिंक मिल सकता है। तो इतने अच्छे रेस्टोरेंट नहीं, तो हम यहाँ से खाना खा के फिर निकलते हैं। कौन सा है रेस्टोरेंट? ये खाएंगे उठा ना ऐसे हाथ से उठाना है बस।
लेन में रुके हैं जी कुछ देर के लिए। ये पेट्रोल है हेडनोक का, और यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है, नमाज पढ़ेंगे नमाजी असर और फिर इंशाल्लाह आगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, ओके, तो अभी हम लोग अलैन के एडनॉक पे हैं एंड ऑन द वे टू जबल हफीद। जबल हफीद, यस यस, जबल हफीद, दिस इज आवर गैंग। ओके, तो हम भाई लोग अभी एडनॉक पे हैं अलैन वाले एंड हैविंग आइसक्रीम थैंक्स टू इरशाद, थैंक यू। अभी हम जाएंगे इस माउंटेन के पास। एक एरिया होना चाहिए ना कहीं पे, क्या बोलते हैं, जो है जहाँ पे इंडियंस इंडियंस हो, देरा वाला, देरा टाइप। कोई गर्म पानी का चश्मा, क्या है वो? अरे वो भाई हॉट वाटर स्प्रिंग्स आते नहीं, वो दुनिया में बहुत पता है जमीन के अंदर से, फिर वो रिटर्न में रहता है कि नहीं। क्यों यह है जी जबल हफीद के जो पहाड़ हैं, अभी इन्होंने कट करके यहाँ से ये रोड बनाया है, ये ऊपर जाता है, कम से कम आई थिंक 7 to 8 किलोमीटर है, मैक्स 10 किलोमीटर की मतलब उसमें डिस्टेंस है, और इसकी हाइट जो है वो 1300 मीटर है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और आपको ऊपर का व्यू बताते हैं, दिखाएंगे कि कैसा व्यू आ रहा है। पहुंच गए हम, ये है अपना जबल हफीद का टॉप, राइट, टॉप, एट द टॉप ऑफ जबल। अभी ये आगे बना भी रहे हैं मजीद, इसको एक्सटेंड वो कर रहे हैं और इन फ्यूचर चलने भाई की दे विल डू, पूरा डेस्टिनेशन वहां रहेगा। मस्त रोड हो रहा था ना, किसको बोल रहे थे? मस्जिद का
बाहर निकल गए ऊपर से। तुम डरना ना। जाने दो जाने दो। पर से हम नीचे पहुंचे हैं तो जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं ये है ग्रीन मुबाजरा, यहाँ ग्रीनरी है और एक पानी का चश्मा कह ले के ज़मीन से पानी, क्योंकि आपको पता है कि यूएई में ज़मीनी पानी तो नहीं है, ये समुंदर का पानी फिल्टर करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक चश्मा है यानी कि नेचुरल आप कह लें, और ग्रीनरी भी काफ़ी है माशाल्लाह, अच्छा व्यू है। लेकिन अभी है अंधेरा हो गया है इस वजह से ज़रा क्लियर कहले के फोकस नहीं हो पा रहा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पुरसकून लोग आते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। एकदम अभी तक यहाँ पे सुनसान सा है और लेकिन ये कि ग्रीनरी प्लेस है, नेचुरल यहाँ पे पानी का चश्मा भी है उस साइड पे है, तो लोग बहुत कम हैं, सुनसान सा है लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली रात हो गई है इस वजह से इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा, खाना वाना ला के लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। पे रुके हैं जी अलेन में, एक बाज़ार है यहाँ पे और वो रेस्टोरेंट है आपके सामने, ये अलबरखा मंदी के नाम से आई थिंक है। तो यहाँ से हम अब मंदी खा के फिर यहाँ से वापसी होगी इंशाल्लाह। मतीन एंड अजीम भाई, क्या तेरे मोबाइल ने दिल मेरा ना